छाबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिग्वी ने किसानों को दी है सोलर एनर्जी से खेती करने की सलाह। आइए जानते हैं पूरी कहानी। कोई डोडा चूरे में उलझ जाएगा, कोई अफीम में उलझ जाएगा, कोई और बात में उलझ जाएगा, तो लाख या 10 लाख रुपए भी आप पुलिस को दे दोगे या पट्टा मिल रहा हो तो 10 लाख रुपए नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को दे दो। इसलिए मेरा अच्छा है, मेरा ये सुझाव है कि आदमी कमाता इसलिए कि खुद को भी आराम मिले, अपने परिवार को भी आराम मिलो। रात भर वहाँ ठंड में खड़े रहते, गरीब आदमी तो किसी कारण से या पैसे के अभाव की वजह से कोई बिजली की व्यवस्था नहीं कर सकता। पर जैसे प्रधान जी ने लगाया है, इन्होंने और भी लोगों ने लगाए हैं, सोलर पावर लगाए हैं, करीब इनका 97,100,000 रुपया खर्चा है। 7.5 हॉर्स पावर की मोटर उससे चल रही है, सुबह 6 बजे चलाते हैं, शाम को 6 बजे बंद कर देते हैं। अब 12 घंटे मोटर चल जाए या 14 घंटे मोटर चल जाए और इससे ज़्यादा अपने को क्या चाहिए। मेरे और 25 साल की गारंटी, 1 लाख में आपको 25 साल की गारंटी मिल रही है और बिजली का बिल 0 हो रहा है, तो मैं समझता हूँ हर आदमी तो नहीं करा पाएगा, पर जो संपन्न किसान है उसको निश्चित रूप से इस ओर भी ध्यान देना चाहिए ताकि अपने इलाके में जितनी भी ये बिजली की समस्या हो वो किसी हद तक दूर हो सके, और दूर होगी भी सही। अभी अपने ज़मीन अलॉट हो गई है, टेंडर लग गए हैं, हर नौदा में शिवबड़ोद की तरह दिगोद की तरह 132 के भी GSS बनने वाले हैं। अपने तहसील के पास में जो हर नौदा की तहसील है वहाँ पर ज़मीन आवंटित कर दी है, थोड़े दिन में वहाँ पर काम चालू हो जाएगा। दूसरा, आपका सैजनपुर में 133 KV का GSS बनने वाला है, उधर जब GSS बन जाएगा तो आपके हंडावदा के इस साइड का लोड है वो भी कम बटेगा, और 132 अगर यहाँ सारथल में वहाँ पे हरनावदा शाहजी में आ जाता है तो इस क्षेत्र में जो बिजली की प्रॉब्लम है वो ट्रिपिंग है वो भी आए दिनों आने वाले दिनों में